गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक में क्या है सम इम्पॉर्टेंट आइटम है रिलेटिंग टू एन एन पी ओ जो एन में कुछ आइटम्स आएंगे उनको हमने कैसे ट्रीट करना है उनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे तो फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन में क्या है इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी सब्सक्रिप्शन क्या होते हैं चंदे एन के लिए क्या होते हैं कि इनकम होती है सो जो इनकम का जो मेन सोर्स ही सब्सक्रिप्शन होता है तो सब्सक्रिप्शन होता है जो वो किस वो हमेशा जो रिसिप्ट रे, एंड पेमेंट अकाउंट है उसके डेबिट साइड में मिलता है हमें उसमें अपेयरिंग होगा और तो हम इस सब्सक्रिप्शन को जो करंट ईयर का होगा उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर तो का है, सिर्फ हम वही शो करेंगे क्योंकि में तो और करंट का भी होगा, होगा। बट हमने जो करंट ईयर का होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो मैंने यहां शॉर्ट में लिखा, लिखा है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये डेबिट साइड में पिनिंग होगा बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम इसको किस में दिखाएंगे क्रेडिट साइड में नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है बच्चों जो क्या होता है कि जब कोई भी मेंबर है जब वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनता है मेंबर बनता है कोई भी पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है पूरी वो होल ऑफ लाइफ टाइम में वो एक ही बार देता है लाइफ मेंबरशिप फीस सम पे द फी इन लमशम वो लमशम होता है एक इकट्ठे अमाउंट में इकट्ठे मतलब टोटल अमाउंट वो एक ही बार में पे कर देता है वंस इन देयर लाइफ टाइम तो अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार देता है तो ये किस नेचर की हुई नॉन रिकरिंग की क्योंकि एक पर्सन से सिर्फ एक ही बार रिसीव होगी जब वो एडमिट होगा वो किसी भी एन पी ओ का मेंबर बनेगा तो वो एक ही बार रिसीव हुई तो इट मीन्स क्या है वो नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग मीन्स कैपिटल रिसिप्ट रिकरिंग यानी कि जो बार बार होने वाली है वो होती है रिवेन्यू रिसिप्ट और जो नॉन रिकरिंग यानी कि बार बार नहीं होने वाली उनको बोलते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट तो कैपिटल रिसिप्ट को हमें हमने जैसे पढ़ा भी था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम उनको नहीं लिखते हैं कैपिटल रिसिप्ट को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं तो जो हम इसको क्या करेंगे इट इज़ नॉट क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बट एडिड टू द कैपिटल फंड बट इसको हम किस में ऐड कर देंगे कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे और शोन सेपरेटली ऑन द लाइबिलिटी साइड या उसको सेपरेटली शो कर देंगे लाइबिलिटी साइड में या उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे या उसको अलग से शो कर देंगे बात वही है तो लाइव मेंबरशिप फीस है उसको बैलेंस साइड के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड शो करेंगे या कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे नेक्स्ट है एंडोमेंट फंड अकोड इट इज़ अ फंड अराइजिंग फ्रॉम अ रिक्वेस्ट और गिफ्ट द इनकम ऑफ विच इज डिवोटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़ किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई इनकम रिसीव हुई है दस इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट जो हमारी किस चीज़ की हुई कैपिटल रिसिप्ट क्योंकि स्पेसिफिक परपज़ के लिए यूज़ हुई है तो हम स्पेसिफिक परपज के लिए ही उस इनकम को यूज़ कर सकते हैं तो बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ परमानेंट इनकम तो हम ये परमानेंट इनकम टू द इंस्टीट्यूशन तो इंस्टीट्यूशन के लिए क्या है परमानेंट इनकम नहीं है इट शुड बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड एज अ सेपरेट आइटम तो इसको लाइबिलिटी साइड हम क्या करेंगे सेपरेट आइटम के रूप में हम इसको शो कर देंगे एंडोमेंट फंड के नाम से हम इसको शो करेंगे बैलेंस शीट में नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस क्या होता है इट इज़ रिसिव्ड फ्राम न्यू मेंबर अपार्ट फ्राम द अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन देखो एक होता है लाइव मेंबरशिप फीस और एक होता है एंट्रेंस फीस एडमिशन फीस लाइव मेंबरशिप फीस तो हमें पूरी लाइफ टाइम में मेंबर सिर्फ में में एक ही बार देगा वंस टाइम में देगा बट जो कि एंट्रेंस फीस है वो मेंबर है कोई भी जब नया मेंबर बनेगा तो वो क्या है कि ईयर बाय ईयर हर साल क्या है कुछ अमाउंट देता है एनुअल सब्सक्रिप्शन देगा तो एनुअल मिलेगा तो ये किस नेचर की हुई? रिकरिंग नेचर की क्योंकि बार बार होने वाली है इनकम है ये तो हम इसको क्या करेंगे सम पीपल फेवर कैपिटलाइजिंग बट अगर कोई पर्सन सिर्फ एक ही बार दे, अगर उस क्वेश्चन में स्पेसिफिक कि हम इसको कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे तो उसका दो प्रकार से हो सकता है देखो एक तो हम इसको माने जो एंट्रेंस फीस है इसको अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम इसको मानेंगे जनरल जनरल फी और अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो हम इसको मानेंगे स्पेसिफिक अगर हम इसको जनरल मानते हैं तो इसको हम क्या करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये हमारी इनकम है बट अगर ये हमें स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए या हमें स्पेसिफिक मानना है इसको तो हम इसको क्या करेंगे बैलेंस शीट में तो लाइवलिटी साइड हम इसको शो करेंगे नेक्स्ट है तो आपने क्वेश्चन में देखना है क्वेश्चन में क्या बोला है अगर कुछ भी नहीं बोला तो हम इसको कुछ नहीं मान नॉर्मली क्या है जनरली मान के हम इसको ट्रीट करेंगे इन द एबसेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन द एग्जामिनेशन अगर कुछ भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है एंट्रेंस फीस मे बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू रिसिप्ट एंड एज सच मे बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हाउ इफ़ एन इंस्ट्रक्शन इट गिवन इन द क्वेश्चन टू ट्रीट इट इज अ कैपिटल रिसिट इट इज शुड भी शोन ऑन द लाइविलिटी साइड उ करंट ईयर बैलेंस शीट तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में हम इसको किस साइड लाइविलिटी साइड शो कर देंगे अगर इसको कुछ भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम इसको किस क्या करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसको क्रेडिट साइड शो करेंगे अभी इसके बेस पर कुछ सम है अब देखो सम वन है ये हमारा सेकंड सम है हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस हमें एंट्रेंस फीस दे रखिए इसको आप किस प्रकार डील करेंगे विल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ न्यू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडर्ड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज तो ये कुछ केस दे रखे हैं हम इनमें बताएंगे कि अगर हमें एंट्रेंस फीस रिसीव होती है तो हम उसको किस किस प्रकार से हम उसका क्या करेंगे ट्रीटमेंट करेंगे फर्स्ट है केस वन ड्यूरिंग द ईयर टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन हमारा ईयर कब ख़त्म हो रहा है इकत्तीस मार्च दो हज़ार सत्रह ईयर है 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रिसीव हुई है। इसके बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है ना तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे एज अ जनरल फीस रिसीव मान लेंगे तो जनरल मान लेंगे तो हम इसको क्या करेंगे हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे तो यही हमने देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा सिर्फ आपने फर्स्ट केस देखना इधर से फर्स्ट देखना इधर से फर्स्ट देखना, देखना। बाकी कुछ नहीं देखना तो इसको फर्स्ट के हिसाब से देखेंगे तो जो ये फीस रिसीव हुई है तो ये क्या है हमारी जनरल है जनरल है तो किस में जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो हम बाय एंट्रेंस फीस के के नेम से हम इसको दिखा देंगे वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड की नेक्स्ट है अब हम सेकंड केस की बात करते हैं ड्यूरिंग द ईयर 1617, entrance एंट्रेंस फीस one lakh twenty thousand. It इट इज द of ऑफ द क्लब किस चीज़ के लिए the policy ऑफ द क्लब टू ट्रीट एंट्रेंस फीस एज a revenue received? अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि हम इस फीस को क्या मानेंगे? Revenue मानेंगे अगर ये भी mention नहीं होती है लाइन तो भी हमने तो इसको revenue ही माना था कैपिटल होने के लिए स्पेशल mention होना चाहिए कि इसको कैपिटल मानना है अदरवाइज ये revenue ही रहेगी चाहे इसमें revenue mention हो या revenue mention ना हो बट अगर कैपिटल वर्ड यूज कर दिया तो वो कैपिटल ही मानेंगे इसको. तो अब इसको वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड है तो हाँ, अब क्या बनेगा अब फिर के सेकंड में क्या बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा और एंट्रेंस फीस को हम वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड के नेम से हम इसको शो कर देंगे नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ईयर सिक्सटीन सेवनटीन एंट्रेंस फीस रिसीव वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज कैपिटल रिसिव्ड लेकिन अब इसमें क्या बोल दें कि जो क्लब है वो एंट्रेंस फीस को केस कैसे ट्रीट करेगा एज अ कैपिटल रिसिप्ट तो कैपिटल रिसिप्ट है तो हम उसमें क्या करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो नहीं शो करेंगे उसको हम क्या पे शो करते हैं बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में भी कहाँ लाइब्रेटी साइड तो थर्ड केस में क्या बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बनेगा उसकी जगह पर बनेगा बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड है हम उसमें ऐड करते थे ना तो कैपिटल फंड जो भी होगा हमने डैश इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम इसमें इसमेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो कैपिटल फंड में एड कर देंगे एंट्रेंस फीस जो होगा उसमें जोड़ करके यहाँ पे आ जाएगा ये इसलिए है क्योंकि हमें पे बट ये है कि फंड कभी भी जीरो नहीं होता कुछ ना कुछ होता ही है इसलिए इसके इसमें रखा। ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए आपको एक अभी पूरा समझ नहीं है छोटे छोटे पार्ट चल रहे हैं। तो इसलिए आपको दिखा रखा है नेक्स्ट है अब केस फोर क्या है ड्यूरिंग द ईयर सिक्सटीन सेवनटीन एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है फिर वन ट्वेंटी की अकॉर्डिंग टू दू द पॉलिसी ऑफ द क्लब थर्टी परसेंट ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज जो थर्टी परसेंट है देखो टोटल रिसीव हुई है हमें वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी का जो थर्टी परसेंट होगा उसको हम मानेंगे कैपिटल और जो सेवेंटी बचेगा क्योंकि टोटल तो हंड्रेड तो तो है वन ट्वेंटी इसमें से थर्टी को हम मान लेंगे कैपिटल और जो सेवेंटी बचेगा उसको मानेंगे हम रिवेन्यू तो जो रिवेन्यू है वो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो कैपिटल है वो जाएगी बैलेंस शीट में तो पहले हम इस जो केस फोर है इसमें दो दोनों ही चीज बनेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी और क्या बनेगी बैलेंस शीट भी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हम क्या कर देंगे सेवेंटी परसेंट ही दिखाएंगे क्योंकि ये तो रिवेन्यू नेचर की हुई तो एक लाख बीस हज़ार है इसका सेवेंटी परसेंट करेंगे तो आ गया एटी फोर थाउजेंड एटी फोर थाउजेंड को हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हमारा बच गया थर्टी परसेंट अब थर्टी परसेंट को हम क्या करेंगे बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में एंड कैपिटल फंड में हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड कर देंगे थर्टी परसेंट यहाँ पर हंड्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेंशन था कि थर्टी परसेंट को ही हमने कैपिटल मानना था तो थर्टी परसेंट वन ट्वेंटी का आ गया थर्टी सिक्स थाउजेंड इसमें इसको ऐड करके यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ तक आपका सेकंड सम हो गया इसमें फोर केस किए हमने एंट्रेंस फीस का एंट्रेंस फीस में दो केस होते हैं रिवेन्यू मानना है या उसको स्पेसिफिक मानना है जनरल मानना है अगर स्पेसिफिक जनरल मानना है तो वो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन है तो हम जनरली मानेंगे अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए कि उसको स्पेसिफिक या कैपिटल रिसिप्ट मानना है उस केस में हम बैलेंस शीट में शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करते तो अभी तक हमने कुछ आइटम्स को पढ़ा है उसके बारे में देखा है हम उनको कैसे ट्रीट करेंगे जो आइटम्स हमने पढ़ी हैं वो हमारी अभी क्या है जो आगे के क्वेश्चन करेंगे उनमें हमें यूज़ करनी होंगे अब नेक्स्ट है फिफ्थ आइटम है डोनेशन इट मे बी क्लासिफाइड एज द स्पेसिफिक डोनेशन एंड जनरल डोनेशन डोनेशन को डोनेशन होता है दान दान दो प्रकार का होता है दो कैटेगरी में इसको क्लासीफाई कर दिया है स्पेसिफिक और जनरल स्पेसिफिक डोनेशन स्पेसिफिक यानी कि किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए किसी विशेष पर्पज़ के लिए जब हमें रिसीव होता है डोनेशन वेन डोनेशन रिसिव इज़ टू बी यूटिलाइज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़ डोनेशन फॉर बिल्डिंग अब बिल्डिंग के लिए डोनेशन रिसीव हुआ है यानी कि बिल्डिंग में अगर हमने कोई कुछ, कुछ भी चेंज करवाना है कोई रिपेयरिंग करवानी है कोई उसमें वाइट वॉश करवाना है तभी हम उसको यूज़ करेंगे फॉर और डोनेशन फॉर प्रोवाइडिंग अ स्विमिंग पूल अब स्विमिंग पूल के लिए तो स्विमिंग पूल के लिए हम इस डोनेशन को यूज़ कर सकते हैं तो जिस परपज़ के लिए यूज हुआ है सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए उस डोनेशन को यूज़ कर सकते हैं उसको बोल सकते है, उसको हैं उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक डोनेशन इट इज़ अ कैपिटलाइज एंड इट शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑन द बैलेंस क्योंकि इसको हम किसाइड दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटी साइड क्यों दिखाएंगे क्योंकि हमारा दायित्व तो है ये हमने सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज करना है जिसके लिए हमें ये मिला है तो हमें देखना है कि डोनेशन स्पेसिफिक पर पर्पज़ के लिए है तो उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे और लाइबिलिटी साइड में तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड आप भी ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए ताकि आपको जब अभी आप इसका रीडिंग करोगे दोबारा से आपको पूरा पेज ना रीड करना पड़े सिर्फ आप शॉर्ट में रीड करो उसका काम हो जाएगा जल्दी से नेक्स्ट है जनरल डोनेशन जनरल डोनेशन होता है तो हम इसको क्या करेंगे जनरल आइटम्स को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रीट करते हैं तो हम इसी प्रकार इसको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो करेंगे और वो भी सिर्फ करंट ईयर का होगा जो ये बात ध्यान में रखनी है जो करंट ईयर की आइटम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ वही जाएंगी चाहे वो रिवेन्यू हो या ना रिवेन्यू होंगी और जो करंट ईयर की होंगी दोनों चीज़ ध्यान में रखनी है रिवेन्यू भी हो और करंट करंट ईयर की भी हो ठीक है ना तो जनरल डोनेशन होगा वो किस में आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में स्पेसिफिक डोनेशन होगा वो आ जाएगा बैलेंस शीट में नेक्स्ट है लिगेसी ये क्या होता है लिगेसी इट इज़ अमाउंट विच अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी रिसीव रिसीव करते एज पर विल ऑफ अ डिकीज पर्सन कोई भी पर्सन यदि डिकीज हो जाता है कोई डेथ हो जाती है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उससे रिसीव होता है उसको बोलते हैं हम लिगे से इट अपेयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसको यहां पे डेबिट साइड में शो करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये होता है होता ही अगर नहीं होगा तो अगर हमें जहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना होगा वहां पर हम बना लेंगे बट जनरली क्या होता है कि अपेयर होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड में क्योंकि डेबिट में क्यों होता है क्योंकि हमें रिसीव हुई है रिसीव हुई है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में जाएगी रिसिप्ट डेबिट में आती है दिस अमाउंट इज नॉट अ रिकरिंग नेचर क्योंकि अमाउंट रिकरिंग नेचर की नहीं है अब देखो ऐसा तो नहीं है कि परस की मेंबर की हर रोज डेथ होती है एक ही बार होगी वो डेथ तो एक बार होगी तो वो अमाउंट ही भी एक ही बार रिसीव होगा किसी पर्सन के इनकम से उसके प्रॉपर्टी से ही, ही होगा ऐसा तो नहीं किसी भी से होगा तो क्या होगा ये हमारी किस नेचर की हुई कैपिटल नेचर की और कैपिटल नेचर की हुई तो हम इसको क्या करेंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम इसको शो कर देंगे नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड एसेट इसको आप ध्यान से समझना सेल ऑफ ओल्ड एसेट क्या होती है कोई भी एसेट थी एनपीओ के पास एन पी ओ ने उस ऐसे को सेल कर दिया सेल करने से जो भी क्या होगी इनकम होगी उस इनकम को आप क्या है कि वो इस सेल करना डेली का काम तो नहीं है ना एनपीओ का तो वो किस नेचर की हुई कैपिटल नेचर की बट कैपिटल नेचर की हुई तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो नहीं ट्रीट करेंगे क्योंकि वो कैपिटल नेचर की है तो अब जो उस एसेट को सेल करने से प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे देखो मैं दोबारा बोल देती हूँ जब भी कोई भी एसेट एन सेल करती है तो एन को एसेट को सेल करना एन का काम नहीं है ये सिर्फ क्या होता है कि एसेट को जब सेल करते हैं तो ये कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन होती है तो इस ट्रांजेक्शन को आप क्या करोगे जो भी एसेट को सेल करने से जो भी इनकम रिसीव हुई है उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं शो करोगे क्योंकि वो कैपिटल नेचर की है और जो उससे प्रॉफिट या लॉस होता है जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक हज़ार का फर्नीचर था हमने उसको बारह सौ में बेच दिया तो दो सौ रुपये का प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को सिर्फ प्रॉफिट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे अगर प्रॉफिट या लॉस होता है लॉस होगा तो भी हम दिखाएंगे बट उस टोटल अमाउंट को बारह सौ को नहीं दिखाएंगे सिर्फ दो सौ को दिखाएंगे अब इस चीज़ को मैं आपको एक प्रैक्टिकली भी समझा देती हूँ एक ये है पार्ट दे रखा है आपको देखो इट अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में होगी इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट क्या है ये कैपिटल रिसिप्ट है एंड सच शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड ऑन द टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे हाउ एवर द प्रोफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एन एस मस्ट बी टेकन रू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर बट प्रोफिट या लॉस होगा उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ बुक्स इज़ फाइव थाउजेंड देखो बुक्स में क्या है फाइव थाउजेंड की हमें क्या दिखा रखी है फर्नीचर दिखा रखा है फर्नीचर क्या हमारी एसेट है आउट ऑफ विच जिसमें से फर्नीचर ऑफ रुपीज़ थाउजेंड इज़ सोल्ड फोर रुपीज़ फोर हंड्रेड एंड द लॉस ऑफ सिक्स हंड्रेड विल बी टेकन आपने देखो यहाँ तक देखो विल बी लॉस कितने का हुआ छः सौ का एक पाँच हज़ार की जो हमारा क्या था फर्नीचर था जो बुक्स में शो कर रखा था जिसमें से पूरे को नहीं जिसमें से थाउजेंड के फर्नीचर को सेल किया है और वो भी कितने में थाउजेंड का था वो हमने फोर हंड्रेड में सेल कर दिया तो हमें कितने का लॉस हुआ सिक्स हंड्रेड का तो तो लॉस है सिक्स हंड्रेड का मैंने बताया था लॉस हुआ प्रॉफिट उसको तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे तो लॉस हुआ लॉस को किस साइड दिखाएंगे डेबिट साइड में क्योंकि हमारा एक्सपेंस है तो इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे और जो फोर हंड्रेड अब फर्नीचर में से कितना माइनस कर देंगे अब फाइव थाउजेंड का नहीं रहा हमारे पास फर्नीचर अब रहा हमारे पास फोर थाउजेंड का क्योंकि हमने जिसमें से थाउजेंड का सेल किया है चाहे वो बिके हम ये नहीं देखना हमने वो सेल कितने का हुआ फोर हंड्रेड का हुआ सिक्स हंड्रेड का हुआ कितने का हुआ सेल हमने ये नहीं देखना सेल से हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ या नहीं हमने सिर्फ ये देखना है कि वो हमने कितने कितने अमाउंट का हमने सेल कर दिया प्रॉफिट में अड़सठ में से तो हमने थाउजेंड का सेल किया तो थाउजेंड उसमें से लेस कर देंगे और जो प्रॉफिट है लॉस हुआ उनको उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे नेक्स्ट है सेल ऑफ़ ओल्ड न्यूज़पेपर देखो ओल्ड न्यूज़पेपर है न्यूज़पेपर तो क्या है बिजनेस में डेली आते हैं एनपीओ में डेली हम उसको मंथली वाइज सेल करते रहते हैं न्यूज़पेपर तो आना रिकनिंग नेचर है ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही एक साल में सिर्फ एक ही बार न्यूज़पेपर आएगा तो हम क्या है और स्पोर्ट्स मटेरियल अब स्पोर्ट्स का कोई मटेरियल है वो बार बार क्या होता रहेगा आता रहेगा जो खराब होता जाएगा हम उसको सेल करते रहेंगे ये भी रिकरिंग नेचर का हुआ तो ये क्या है कि रिकरिंग नेचर का है तो हम इसको किस साइड दिखाएंगे ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अमाउंट ड्यू टू द फैक्ट ऑफ सेलिंग ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर एंड यूज स्पोर्ट्स मटेरियल लाइक ओल्ड बैट्स बॉल्स एटसेट्रा इट इज़ अ रेगुलर फीचर ऑफ एनी एन पी ओ इंस्टीट्यूशन तो एन के लिए क्या हो गया जाता है कि रिकरिंग नेचर की होती है सेल करें हम ओल्ड न्यूज़पेपर को या स्पोर्ट्स मटेरियल को तो हम इसको शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में और रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये होता है डेबिट साइड में नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ फोन एरिया होनोरियम क्या होता है देखो कोई भी अब हम जो एन पी ओ है चल रही है हमारी एन पी ओ में हमें जो भी अमाउंट पे की जाती है जो मेंबर है मेंबर से अलावा अगर कोई भी पर्सन है उसको क्या पे की जाती है कोई भी अमाउंट पे की जाती है द अमाउंट पेड टू द पर्सन हु आर नोट द एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड होनोरियम जो क्या है कि एम्प्लॉयी नहीं है या मेम्बर नहीं है इंस्टीट्यूशन का फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वाइट वॉश करवाया है बिल्डिंग को क्या वो मेम्बर थे एन के नहीं थे बट जो हमने उनको पे किया अमाउंट तो वो पे पेमेंट की है उसको बोलते हैं हम होने दिया तो इस क्या इसको बोलते हैं हम इस अमाउंट को हम जो भी होगा जो हमने पे किया उसको डेबिट साइड में क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है पेमेंट करना हमारे लिए खर्चा है और इस खर्चे को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे तो आपने यहीं तक सिर्फ करना है यहाँ तक ये यह आइटम हमने कुछ रीड किए हैं कि किस आइटम को हम किस प्रकार ट्रीट करते हैं आप बिल्कुल अच्छे से एक बार इनको रीड कर लीजिएगा क्योंकि अगर इनमें कन्फ्यूजन रह गई तो आपको क्वेश्चन करने में बड़ी बड़ी कन्फ्यूजन होगी तो आप जब तक इनको अच्छे से नहीं माइंड में क्लियर करोगे तब तक आप आगे सम नहीं होंगे अच्छे से तो आप इनको अच्छे से क्लियर कर लीजिए एक बार तो आपने यहीं तक करना है सिर्फ